अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सूफिया हमायूं मुनीफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं कराची के मशहूर प्लेटर हाउस पे। इस प्लेटर हाउस की हमने काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी, तो हमने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी हम यहाँ का विज़िट कराएँ। ये प्लेटर हाउस कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पे वाक़ा है। ये फूड स्ट्रीट अपने मज़ेदार खानों के लिए बहुत फेमस है। आज यहाँ पे प्लेटर हाउस पे इनके रूटीन मेन्यू के अलावा भी कुछ बहुत ख़ास है, तो फिर चलें हमारे साथ। जी व्यूअर्स, यहाँ पे तैयार हो रहे हैं ज़बरदस्त चिकन रेशमी कबाब, चिकन टिक्के, बीफ बिहारी बोटी और ये कलरफुल सी वेजिटेबल्स, और साथ में बन रहे हैं चिकन चरखा और बहुत कुछ। लेकिन इन सब के अलावा जो बहुत ख़ास है यहाँ, वो देखते हैं, तो फिर चलें हमारे साथ। जी व्यूअर्स, ये है वो बटेर जो आज यहाँ पे बल्क क्वांटिटी में तैयार की जा रही है। इस ह्यूज बटेर प्लेटर पार्टी में हमें इनवाइट किया है हमारे बाबर भाई मुनीफ टीवी, नॉट मुनीर एक्चुअली मुनीफ, MUNIF TV। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी व्यूअर्स, आपने जो मैरिनेटेड बटेर का एक थाल देखा था, उस तरह के बहुत सारे थाल यहाँ पे रखे हुए थे, जो कि 1 by 1 ये जो स्टीम का एक पॉट बनाया हुआ था, देसी सा स्टीमर जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर एक एक थाल डाल के और ये बटेरों को स्टीम करके ये निकालते जा रहे थे। ये अभी एक थाल इन्होंने निकाला जो स्टीम हो चुकी थी बटेर, और ये एक और थाल इसमें डाला। इस तरीके से इन्होंने सारी बटेर के जो थाल थे वो सब स्टीम करके निकाल लिए। गर्मा गर्म स्पाइसी स्टीम बटेरें तैयार हैं जनाब। लेकिन हमें ये लगा कि ये बस इस वक्त रेडी पोजीशन में है और इस तरह भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, मज़े की। लेकिन फिर जनाब शेफ़ ने बताया कि अभी इन सारी बटेरों को ये एक एक थाल करके डीप फ्राई करेंगे और फिर उसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड किए जाएंगे। They were so tempting। जब ये फ्राई हो रही थी तो हमारा दिल कर रहा था कि ये प्रोसेस स्पीड अप हो जाए और जल्दी से बटेरें सर्व हो जाएं। लेकिन जनाब बटेरों को भी एक और प्रोसेस से गुजरना था। जब हमें ये पता चला तो हमने थोड़ा सा और इंतज़ार किया। जी जनाब, अब बारी थी बटेर प्लेटर को डेकोरेट करने की। बटेर प्लेटर की डेकोरेशन देखने के लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। बटेरों के काफ़ी सारे थाल इस वक्त फ्राई हो चुके हैं, पर अभी भी कुछ थाल बाकी हैं जो फ्राई इस वक्त शेफ़ कर रहे हैं। और जब ये सारी बटेरें फ्राई हो जाएंगी तो फिर इन्होंने कुछ डेकोरेशन के लिए चीज़ें रखी हुई हैं, ये इसको डेकोरेट करेंगे। इन्होंने वेजिटेबल्स के बहुत खूबसूरत फ्लावर्स बनाए हुए हैं और साथ में ड्राई फ्रूट्स काफ़ी सारा रखा है, जिसमें इनके पास अखरोट और काजू और भी काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिससे वो इसको डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले प्लेटर पे इन्होंने राइस बेड बनाया। राइस से प्लेटर की बेस को कवर करने के बाद इसके ऊपर बटेरें डालना शुरू करी। और थोड़ी देर में पूरा प्लेटर मज़ेदार ज़बरदस्त बटेरों से कवर हो गया। बाबर भाई ने भी इस लार्जेस्ट बटेर प्लेटर के बारे में कुछ चीज़ें बताई। यहाँ पे इसके अंदर भी ड्राई फ्रूट डाला जाएगा। उस बटेरों के अंदर जो है हर बंदा ड्राई फ्रूट जो है बटेर के निकाल के नहीं खाना चाह रहा है, वो कह रहा है कि आज हम कुछ बटेरों में जो है ड्राई फ्रूट डाल के भी ट्राई करेंगे, कुछ विदाउट ड्राई फ्रूट भी खाएंगे। और ऊपर हम जो मीठा तैयार कराया है वो भी बड़ा कमाल है। ये तो खुशबू आ रही है ना इस टाइम पे मसालों की और जो चावलों की, और ये जो ओवर एक्टिंग कर रहा है इसकी बात बड़ी कमाल है। और जैसे ही तैयार होता है शेफ़ ने लास्ट में कुछ बटेरों में कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड किए और फिर उनको बहुत अच्छे से टॉस किया और बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसने उन्होंने इसको प्लेटर पे डाला। चावल तो नजर ही नहीं आ रहे, बटेर ही बटेर हैं भाई। ये बटेर की ना पूरी की पूरी चादर बन चुकी है। इन्होंने वेजिटेबल्स के बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स बना के रेडी रखे हुए थे और जब इन्होंने बटेरे फ्लावर्स से इसको प्लेटर को डेकोरेट किया, थोड़े थोड़े गैप के बाद इन्होंने थोड़े थोड़े डिस्टेंस से फ्लावर्स रखे। वेजिटेबल्स से बटेर प्लेटर को डेकोरेट करने के बाद इसको मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट से गार्निश किया गया। सबसे पहले इसमें पिस्ते डाले इन्होंने बहुत सारे, फिर उसके बाद बादाम डाले काफ़ी सारे, फिर काजू डाले और उसके बाद मज़े की बात कि इसमें काफ़ी सारे इन्होंने चुलगोज़े भी डाले और फिर लास्ट में वॉलनट्स डाले। जी व्यूअर्स, अब टाइम है रिव्यू देने का कि इतनी मेहनत से और इतनी एफ़र्ट्स के साथ ये जो प्लेटर इतना बड़ा अभी हमारे सामने तैयार हुआ है, इसका टेस्ट कैसा है। तो जनाब, बटेरे पहले भी काफ़ी मर्तबा ट्राई की हैं, लेकिन आज जो बटेरे खाई हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी अलग ही बात थी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार स्पाइसी फ्राइड बटेर का क्रिस्पी नट्स और राइस के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।